हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इमली की चटनी। ये ना घर पे बहुत आसानी से बन जाती है और काफ़ी अच्छी और गाढ़ी बनती है, खट्टे मीठे फ्लेवर के साथ। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब भी आप दही बल्ले, चाट पापड़ी या भेल बनाए ना घर पे, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने ली है 50 ग्राम इमली। इसके जो बड़े बीज हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी जिसमें बीज कम हो। तो हम एक बर्तन में डालेंगे इमली को भीगने के लिए। तो मैं इसके ऊपर डालूंगी 2 गिलास गर्म पानी के, ताकि ये अच्छे से भीग जाए और नरम हो जाए। तो हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम रखेंगे उबलने के लिए। 3 से 4 मिनट तक हम इसको उबलने देंगे मीडियम फ्लेम पे। आप देखेंगे कि उबलने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और फूल भी जाती है। अब हम इसको चलाते हुए 3-4 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये काफ़ी उबल गई हैं। अब बारी आती है गैस को बंद करने की और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं ये काफ़ी घुल मिल गई है पानी के साथ। अब इसको एक ब्लेंडर या मिक्सर में डालकर हम पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पीस लिया है, कितनी अच्छी और गाढ़ी इसकी स्मूथ पेस्ट बनी है। अब एक बाउल और छलनी की मदद से हम इसको छान लेंगे। छानने से पता क्या होगा, इसके बीच जो गुद्दे और रेशे हैं ना, वो निकल जाएंगे। उनका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता जब मुंह में आए। तो ये देखिए, हम रेशों को निकाल देंगे। हमारा इमली का पल्प अब चटनी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच के करीब हम ऑयल को ऐड करेंगे। गरम होने के बाद हम ऑयल में सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच जीरा। थोड़ा रोस्ट होने के बाद मैं डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच हींग का। हींग फ्राई हो जाने के बाद हम डालेंगे इसमें हमारा तैयार किया हुआ इमली का पल्प, एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला, जो हमारा पल्प था ना इमली का, वो वाला। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चलाते हुए मिक्स करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट तक उबलने देंगे, ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब बारी आती है इसमें गुड़ डालने की। तो मैंने 50 ग्राम गुड़ इसमें ऐड किया है। मैंने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाला है, ताकि ये अच्छे से और जल्दी पिघल जाए। तो अब बारी आती है मसाले डालने की। तो मैंने 1 चम्मच नमक का डाला है, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। ये मैंने रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है चटनी में। और साथ में मैं डालूंगी भुने जीरे का पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और 1/2 छोटा चम्मच ही ड्राई जिंजर पाउडर, सूखी अदरक का पाउडर, और 1/2 छोटा चम्मच ही मैं सौंफ का पाउडर भी ऐड करूंगी। और इन सब मसालों को गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स करूंगी। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा गुड़ पूरी तरह मेल्ट हो गया है और मसालों की भी काफ़ी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच पीसी हुई चीनी। चीनी जो है ना, वो इमली और गुड़ के टेस्ट को बैलेंस करती है और बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है हमारी चटनी। हम इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो चीनी का पानी है वो अच्छे से सूख जाए। तो हमारी चटनी अब बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि स्पून के पीछे का पोर्शन कोट हो रहा है। गैस को हम बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद एक प्लेट में या एयरटाइट कंटेनर जार में डालकर फ्रिज में रख के आप इसे 3 से 4 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।